हमीरपुर में युवा कांग्रेस की रैली में कांग्रेस से निष्कासित नेत्री प्रोमिला द्वारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ की गई बयानबाजी से भोरंज कांग्रेस खफा हो गई है। सर्किट हाउस हमीरपुर में एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस एसटी विभाग के राज्य अध्यक्ष सुरेश कुमार, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजीव लाल मेहर, प्रदेश सचिव अतुल कढ़ोता, ब्लॉक उपाध्यक्ष विजय विनयाल व चमन लाल ने निष्कासित नेत्री की अवैध टिप्पणियां एवं भाषा की कड़ी निंदा की है। नेताओं ने निष्कासित नेत्री प्रोमिला की संपत्ति की जांच ईडी से करवाने की मांग की है। नेताओं ने आरोप लगाया है कि भाजपा से सांठगांठ पर तबादला उद्योग के चलते इस नेत्री ने संपत्ति जुटाई है। ये नेत्री कांग्रेस सरकार के होते भोरंज उपचुनाव हार गई। इस बार टिकट न मिलने पर महिला नेत्री ने कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ कार्य किया, इस कारण ही पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ये नेत्री बताए कि उत्तक नेत्री के पास इतनी संपत्ति कहां से आई। इन नेताओं ने उन आयोजकों पर भी कार्रवाई करने की मांग की जिन्होंने कांग्रेस की निष्कासित नेत्रियों को बुलाया और वह मंच प्रदान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितने लोग कांग्रेस से निष्कासित किए गए हैं उन्हें प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं बल्कि कांग्रेस हाईकमान ने निष्कासित किया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि निष्कासित नेताओं के कांग्रेस के कार्यक्रम में आयोजकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए क्योंकि ऐसे लोग कांग्रेस हमीरपुर को कमजोर करने में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि गत दिवस हमीरपुर में युवा कांग्रेस की रैली के दौरान मंच पर से निष्कासित नेत्री प्रोमिला ने अपने भाषण में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जहर उगलते ही हमला बोल दिया था, जिस पर अब कांग्रेस के नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। नेत्री को बुलाया गया जो पार्टी से निष्कासित की गई है और उस नेत्री ने जो अनाप शनाप भाषा का, अभद्र भाषा का जो प्रयोग प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ किया, उसकी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और सारी कांग्रेस जो है निंदा करती है और इस चीज का विरोध करती है कि जो इस कार्यक्रम के आयोजक थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। क्यों उन्होंने ऐसे लोगों को आमंत्रित किया था जिनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है और ऐसा करके वो ऐसा कौन सा संदेश देना चाहते हैं और पार्टी को कौन सी मजबूती प्रदान करना चाहते हैं। जिस तरीके से इस निष्कासित नेत्री ने प्रदेशाध्यक्ष के ऊपर जिस भाषा का प्रयोग किया और टिप्पणियां की, उससे उसके संस्कारों का और उसकी जो परिपक्वता है उसका पता लगता है कि वो कितनी परिपक्वता है राजनीति में और उसको क्या संस्कार हैं। पार्टी के खिलाफ कार्य शुरू कर दिया और ऐसे में अगर उसको पार्टी से निकाला गया तो सही किया है और अब उससे वो उसमें वो छटपटाट है, बौखलाट है, क्योंकि जो आमदन का साधन था वो बंद हो गया है। हमारी ये मांग है कि वो जो उसने सप्तपत्र में उस वक्त नॉमिनेशन के टाइम में अपनी संपत्ति दर्शाई थी उसके बारे में जरा जनता को बताएं कि वो संपत्ति कहां से अर्जित की, जबकि स्वयं उसका कोई आमदन का साधन नहीं है, स्वयं कुछ कमाती नहीं है, उसके पति जो अनुबंध आधार पर कर्मचारी हैं, तो ऐसा कौन सा खजाना है जहां से इतनी अकूत संपत्ति उसने अर्जित की है, ये भी जनता जानना चाहती है। इतनी संपत्ति अर्जित की है और क्या स्रोत है इसकी आमदन का, और अगर ये अपनी इस तरह की बदतमीजी और गलत बयानबाजी से आवाज नहीं आती है तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इसकी जो संपत्ति की जांच के लिए ईडी को भी लिख सकती है, इसकी संपत्ति की ईडी से भी जांच करवाने की हम मांग कर सकते हैं, क्योंकि भोरंज क्षेत्र जो है आज भोरंज में कांग्रेस के पिछड़ने का जो मुख्य कारण है वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने वहां पे तबादला उद्योग चलाया और राजनीति को अपनी आमदन का साधन बनाया, कर्मचारियों का उत्पीड़न किया, कर्मचारियों का दोहन किया, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी वहां पे कमजोर हुई है और ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सही किया है।